आर गोइंग टू स्टार्ट फूड चैप्टर. ठीक है, तो फर्स्ट इज फूड. फूड क्या है, ये हमें क्यों चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, क्या है, वी ऑल नीड फूड. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इट कीप्स अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस. ठीक है, फूड कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस टू लिव एंड ग्रो. ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर, अब देखो हमारे को फूड की जरूरत होती है सबको, है ना. फूड जो होता है वो हमें किस चीज में हेल्प करता है, ग्रो होने में, बड़ा होने में हेल्प करता है ना हमें. फिर फूड जो है हमें डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी. ठीक है, कमी की वजह से जो हमें बीमारियां, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो हमें बीमारियां हो जाती हैं उससे बचाता है फूड. फूड में कुछ यूजफुल सब्सटेंस, कुछ यूजफुल चीजें होती हैं जो हमें जीने के लिए और ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर वो हमें क्या रखता है, हेल्दी रखता है. ठीक है, दूसरा हमें क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है ना, डेफिशिएंसी डिसीजेस से बचाता है. फिर फूड जो है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें जीने के लिए, फॉर लिविंग एंड फॉर ग्रोइंग हेल्प करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है दृष्टि, दिव्यांशी? यस मैम. यस मैम. ओके, तो फिर अब आप मुझे बताइए कि फूड हमें क्यों जरूरी है. दिव्यांशी आप बताइए क्या क्या करता है फूड. मैम फूड, दिव्यांशी बोलिए बेटा. यस मैम. मैम फूड से मैम हम ग्रो होते हैं मैम, और मैम उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और मैम उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे मैम, यानी कि जो हम फूड खाते हैं तो फिर मैम उसमें हमारी बीमारियों से बचने की, तो हम बीमारियों से बच जाते हैं. ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें जीने के लिए और ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं. हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दृष्टि कौन कौन से होते हैं. मैम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, रागेस, रफेज बेटा, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स एंड वाटर. ये सारे होते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड में. नेक्स्ट इज ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल एंड लार्ज अमाउंट्स. मतलब कुछ न्यूट्रिएंट हमें कुछ कम अमाउंट में चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर. ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं. ठीक है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है, समझ में आया खुशी? यस मैम. ओके, फिर है बैलेंस डाइट, अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट. मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट जितने हमें, जितनी अमाउंट में हमें चाहिए, मतलब जो हमें कम अमाउंट में चाहिए वो कम ही है, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो ज्यादा है. ठीक है, उसको हम, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. ठीक है, अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस. बैलेंस्ड डाइट क्या करती है, हमारे को फिट रखती है और हेल्दी रखती है और हमें बीमारियों से बचाती है. ठीक है,
जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होंगे, वो क्या करेगा, हमारे को फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्पफुल होएगा ना, और हमें क्या करेगा, बीमारियों से बचाएगा। हाँ जी दृष्टि, बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा? मैम बैलेंस डाइट तो डाइट मैम बैलेंस डाइट तो हमारे बॉडी हमारे हेल्थ को अच्छा फिट रखती है एंड मैम वो हमें बीमारी से बचाता है। और बैलेंस डाइट होती क्या है बेटा? अभी हमने पढ़ा बैलेंस डाइट कौन सी होती है। मैम प्रॉपर अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ओके दृष्टि? यस मैम। अच्छा दिव्यांशी बताइए मुझे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें कम अमाउंट में चाहिए और कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए? मैम कम अमाउंट में मैम मिनरल्स एंड विटामिन, और ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट फैट्स वाटर। वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड बेटा। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज फूड। फूड क्या होता है? फूड इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स व्हिच फिल्स आवर स्टमक एंड सेटिस्फाई आवर हंगर। फूड एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पेट को भरती है, भरता है फूड, और हमारे भूख को सेटिस्फाई करता है। जब हम भूखे होते हैं तब हम जल्दी जल्दी खाते हैं ना, फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। तो फूड क्या है, एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे पेट को भरती है और हमें हमारी भूख को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब खुशी क्यों खाते हैं बेटा हम फूड? आवाज नहीं आ रही है आपकी मैम। हाँ जी मैम, फूड हमें हेल्दी रखता है एंड अगर हम मैम फूड हमें हेल्दी रखता है एंड अच्छा मेरे को ये बताओ, सिर्फ हेल्दी रखना ही हेल्दी रखता है इसीलिए फूड खाते हैं हम क्या? नो मैम। और अच्छा आपको भूख लगती है तो क्या करते हो? मैम फूड खाना खाते हैं। खाना खाते हो ना, तो क्या करता है फूड, हमारे स्टमक को भरता है और हमारी भूख को yes, ma'am. है। फूड क्या होता है दृष्टि? यस मैम। फूड क्या होता है मैम? फूड मैम फूड मैम मैं आइटल एक मिनट बेटा बोलो मैम। फूड मैम फूड हमें पूछा कि फूड हमें क्या करता है, फूड हमारी क्या हेल्प करता है या फूड का क्या काम है, मैंने आपसे पूछा है फूड मैम जो हम मैम फूड इज अ सब्सटेंस मैम फूड इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स न्यूट्रिशन। आपके सामने लिखा हुआ है कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कभी भी आपको पूछा जाए व्हाट इज फूड, देन यू विल टेल फूड इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। फूड एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ में आया दृष्टि? यस मैम। व्हाई डू वी नीड फूड? अब हमें नीड मतलब फूड जो है वो जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए। फिर इट रिपेयर्स आर वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कभी भी हमारे को चोट लग जाती है या फिर हम थक जाते हैं बहुत, ठीक है, या एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, तो जो भी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो खराब होते हैं, मतलब जो सॉरी सेल्स जो हैं वो अंदर वॉर्न आउट हो जाते हैं, या फिर देखो हमें चोट लग जाती है, तो उसकी रिपेयर करने के लिए भी फूड जो है वो जरूरी होता है।
आया समझ दिव्यांशी? क्या क्या काम पड़े हमने? एक तो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। दूसरा क्या करता है, रिपेयर करता है वॉर्न आउट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स पे चोट लग जाती है या फिर जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमारे जो अंदर सेल्स होते हैं वो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी फूड जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमें हेल्दी रखता है और हमें शक्तिशाली बनाता है। फूड बिल्ड्स आवर बॉडी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड जो है हमारी बॉडी, अब देखो पहले हम कितने से थे, एक बच्चे जितने होते हैं, है ना, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे कब, कैसे होता है? फूड की वजह से होता है। खाना खाते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। ओके, यस मैम। फूड हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेस, बीमारियों से बचने में, बीमारियों से लड़ने में फूड हमारी हेल्प करता है। नेवर वेस्ट फूड, देर आर मिलियंस हु डोंट गेट फूड टू ईट, सो नेवर वेस्ट फूड। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना भी पूरी तरह से नहीं मिलता है, तो हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके खुशी, दिव्यांशी, दृष्टि, ठीक है, कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता है, दो वक्त का भी अच्छे से नहीं मिलता है, पर हम लकी हैं कि हमको तीनों टाइम अच्छा खाना मिलता है, तो हमें कभी भी फूड को वेस्ट जो है नहीं करना चाहिए। ओके, यस मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।